अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर्स और अ वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन एक सिंपल मेथड है बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स को या बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को लिखने का। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर्स को लिखते हैं ना तो इसी फॉर्म में लिखते हैं और यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो हमें फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या बहुत सारी वैल्यूज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जो बहुत ज्यादा या तो बड़ी होती हैं या बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। तो हमें उसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड होती है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हम बहुत ज्यादा बड़े नंबर या बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में या सिंपल मेथड की सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वो फॉर्म जो है इन द पावर्स ऑफ 10 होनी चाहिए, इन द पावर्स ऑफ 10। ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होती है कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन मे बी ऑफ 3 पार्ट्स। कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा जाता है वो 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, नंबर 1 A, which is called coefficient, ठीक है, ये coefficient जो है या तो equal होना चाहिए 1 के, ये condition है, equal होना चाहिए 1 के, ठीक है, या फिर इससे greater होना चाहिए। ठीक है, या फिर इससे greater होना चाहिए, it should not be equal to 0, 0 के equal ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, number 2 ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 2 है आपका 10, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेस। क्या कहा जाता है इसको? बेस। ठीक है, और ये बेस ही जो मैंने लिखी है ना इन द पावर ऑफ 10, ये बेस ही है। ठीक है, और नंबर 3 जो है आपकी वो आती है आपकी पावर। ठीक है, क्या कहलाती है? पावर। ठीक है, ये पावर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे पास कि नंबर हमारे पास बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा नंबर होगा तो पावर पॉजिटिव में होगी, छोटा नंबर होगा तो पावर नेगेटिव में होगी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका जो मास आया मेरे पास, ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जस्ट अ मिनट, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास फॉर एग्जांपल मेरे पास आया। अब आपकी बुक में जो है ना वो सन वाली एग्जांपल लिखी है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ये वाली समझ आ जाएगी ना बेसिक। तो आप लोग जितने भी बड़ी नोटेशन दी हुई होगी, आपको जितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ होगा, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, पहले हम पॉजिटिव वाला करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसका मास आया मेरे पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2000000, बस। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखें। सबसे पहले तो कोफिशियंट ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा कि ये कोफिशियंट इसका आ गया 2। ठीक है, पावर बेस जो है इसकी हमेशा क्या होनी चाहिए? 10। अब जाहिर बात है जब कोई ऐसा नंबर लिखा जाता है तो इसकी डेसिमल जो होता है हमेशा लास्ट में होता है, बीच में तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये रहा डेसिमल, तो इस डेसिमल को अगर मैं 2 के बाद लेकर आ रहा हूं तो मैं कितना डिजिट पीछे लेकर आ रहा हूं? जितने डिजिट मैं पीछे लेकर आऊंगा वो इसकी पावर हो जाएगी। जैसे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैंने कितने डिजिट जो है वो इस डेसिमल को लेकर आया, कितने डिजिट लेकर आया? 9 डिजिट। तो ये हो जाएगा 2.00 × 10⁻¹. ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें भी दिया हुआ हो, केजी में हो, किसी भी यूनिट में हो, ये हमसे हमें गर्ज नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सही है, समझ आ गई। तो आपके पास जितने भी नंबर हो, आपको असल में काम किसका है? इस डेसिमल का है। इस डेसिमल को आप जितने पॉइंट बैक लेकर आएंगे, जितने पॉइंट आप कोफिशियंट के पास लेकर आएंगे, उतने आपने पावर यूज करनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेगेटिव की,
ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, कि मिसाल के तौर पे वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता बहुत ज्यादा है जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्मॉल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 9 × 10⁻¹⁻ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये एग्जाम्पल दी है मैंने, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे भी कम होता है। तो अब 9 × 10⁻¹⁻, अब जहां पर आपको माइनस दिख जाए ना, देखिए पॉजिटिव होगा तो जीरो राइट साइड पे होंगे, मतलब डेसिमल राइट साइड पे होगा, और अगर माइनस दिख जाए पावर के अंदर तो इसका मतलब है आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पे है, किसके कोफिशियंट के, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड पे है तो मैं डिजिट यहां लिख देता हूं, मतलब कोफिशियंट यहां लिख देता हूं, ताकि लेफ्ट साइड पे मुझे जीरो लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 9 मिसाल के तौर पे। अब 9 × 10⁻¹⁻ है ना, अब इसको मैं कितने पॉइंट लेके जाऊं, −11 टाइम्स, इस पॉइंट को मैंने −11 टाइम लेके जाना है और उतने ही जीरो लगाने हैं, तो मेरे पास 10⁻¹⁻ बन जाएगा। कैसे, देखें, ये 1 पॉइंट इधर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हो गए। उसके बाद ये यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 9, 10 और 11, तो 0, 0, 0, ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहां करके लिख दूं तो 0.000 यहां पर आ गए, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये 2, तो ये हो गया, देखें, ठीक है। तो ये पॉइंट में कितने टाइम्स लेकर आया बैक साइड पे, 11 टाइम्स, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी ये एक ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.00, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप सही है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो अब काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो ये नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन तो ये लिखी हुई, साइंटिफिक नोटेशन ये फॉर्म लिखी हुई है। ये देखे एक ऑकवर्ड सा लग रहा है ना नंबर, ये वाला, अब ये वाला भी देखे ऑकवर्ड सा नंबर लग रहा है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं ताकि सूटेबल लगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला नंबर है, देखें ये अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी, मतलब आपको ये चारों एक दूसरे के साथ कन्वर्जन आने चाहिए, कि अगर आपको माइनस में दिया हुआ है तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, दोनों वर्क एग्जांपल जो है, वो दोनों आपका होमवर्क है, आप लोगों ने खुद से वो सॉल्व करनी है, और आप देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।